जूम इन विद गगन मुद्गल, मेरे साथ हैं नीता वशिष्ठ। ध्रोकाल मुझे याद आ रही है इनको देख के, और ताल और चांदनी और कुछ खट्टी कुछ मीठी। और अभी मैंने इनका शो देखा है सोनी लिव पर, योर ऑनर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पर हैं, आप बात कर रही हैं मुझसे, और इसलिए कि आपने उस शो में कुछ अलग ही काम किया। ये मैंने रंग आपका पहली बार देखा है, मैं इतने टाइम से आपका काम फॉलो कर रहा हूँ, आपको देख के पता नहीं डर भी लगता है मुझे हमेशा कि नीता जी आएंगे बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के। क्या करूंगी मैं, क्यों डर लगता है ऐसे क्यों, आपको देख के हमेशा डर लगता है मुझे कि कुछ आप आगे कुछ कर दोगे स्क्रीन पे, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। आई होप इट्स एन एक्साइटेड डर एंड नॉट अ डर डर। हाँ नहीं, एक्साइटेड डर, लेकिन बहुत अच्छा काम है आपका जो आपने किया है, जो पुलिस का कैरेक्टर पकड़ा है, ये कहाँ से ऑब्जर्व किया आपने ये कैरेक्टर? एक्चुअली गगन जी, you know, I think there comes a stage in life जब वैसे भी आप as an actor, जब young actor होते हैं तो आप इतना जिंदगी जिए नहीं होते हैं जी, कि आपको पता चले कि marriage क्या होता है, divorce क्या होता है, और माँ बनना क्या होता है, क्योंकि उस समय तक आप माँ भी नहीं। So a lot of your work is through the imagination and आपके आसपास की दुनिया ऑब्जर्व करने से। फिर हाँ, जिंदगी आप जीते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी you know, you live your own experiences. जैसे कि जो किरण सिंह का कैरेक्टर है योर ऑनर में, वो एक पंजाब पुलिस वाली है, तो मैंने वर्दी है उसके पास, लेकिन पंजाब और नॉर्थ इंडिया में पेट्रियार्की बहुत तगड़ी है। यू नो आई मीन, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है जहाँ पे मैन वुमन रिलेशनशिप इक्वल होता है। गालियां भी ऐसी होती हैं औरतों वाली बहुत, मैंने औरतों को जलील करने वाली तो गालियां हम लोग मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि वो औरत है, यूनिफॉर्म है, पावर है, लेकिन औरत भी है। प्लस जिस तरह का उसका जॉब है, उसमें 9 to 5 नहीं है, शी इज अ सिंगल मदर, तो उसको खाने को टाइम नहीं मिलता है। और उसके डायलॉग भी ऐसे हैं कि वो एक कैरेक्टर से कहती कि देखो मेरा भी एक घर है, छोटा सा है, बहुत अच्छा जैसा है मेरा घर है, और मुझे बड़ी तकलीफ होती कि 3 बजे सुबह एक मुझे अपनी रजाई में से उठ के जाना पड़ता है क्योंकि फोन कॉल आता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है। तो अपने बच्चे को छोड़ के, अपनी रजाई छोड़ के बाहर निकलू, तो उससे मुझे क्लियर हो जाता है कि ये कोई ये जो पुलिस वाली है किरण सेखो, वो कोई पोस्टर गर्ल पुलिस वाली नहीं है। अंडरस्टैंड, पोस्टर गर्ल यू नो, ये जैसा माने जैसे बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं, माने सब सिंगम टाइप, सब कुछ माने सब कुछ इंटैक्ट है, आपने जिम में भी आपके 3 घंटे तो कम से कम वर्कआउट होता है, वो सब नहीं है। माने उसको 2 वक्त रोटी टाइम से मिल जाए क्योंकि कोई ना कोई फोन कॉल आ रहा है, वो ही बहुत है। कब घर जाएगी, कब सोएगी, कोई पता नहीं। एक बच्चा है जिसको देखना पड़ता है, और तो क्लियरली ये सब चीजें पहले आप जोड़ लेते हैं कि आपको एक तो कोई पोस्टर गर्ल वाली बॉडी नहीं चाहिए जी। आपको तो एक बेसिकली वर्किंग वुमन है जिसके पास दौड़ लगाने का टाइम नहीं है कि वो जाके जॉगिंग कर ले 2 घंटा, वो भी नहीं, यू नो। सो दीज आर द थिंग्स यू, दिस इज द इंफॉर्मेशन यू फीड योरसेल्फ। मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, और मैं ज्यादा ओवर प्रिपेयर नहीं करती हूँ, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, मैं डायलॉग पे बहुत ध्यान देती हूँ कि कैसा। तो जैसे ई निवास है डायरेक्टर, वो बहुत बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, और हम लोगों ने स्क्रिप्ट बहुत पढ़ी माने शूटिंग के पहले, तो स्क्रिप्ट में हम छोटे छोटे चेंजेस वहीं ले आते हैं क्योंकि जिस तरह से इंसान बोलता है उससे भी उसका एक तरीका समझ में आता है। जैसे कि अगर एक डायलॉग सीधा साधा है कि आपकी गाड़ी चोरी कहाँ से हुई, ये हिंदी हो गया, लेकिन किरण सेखो और पंजाब, और मेरा एक्सपीरियंस जब मैं छोटी थी ना, कॉलेज में थी, तो मैं चंडीगढ़ में बड़ी पली, और मेरे जितने दोस्त होते थे सब सरदार होते थे, हम लोग सेलर वेलर थे, हम लोग, मैं सेलिंग बहुत करती थी डे क्लब में, तो मेरे जितने सेलिंग में एक आध लड़कियां ही होती थी सेलिंग में, बाकी सब लड़के होते थे और सब सरदार खुली दाढ़ी वाले। तो एक जो पंजाबीपना था, जो भाषा थी, वो मेरे बचपन में मैंने जिया है उस माहौल को, उस कल्चर को पंजाब का जो है, फ्रॉम माई कॉलेज डेज, यू नो, राइट अप टू यूनिवर्सिटी, तो वो सब था जहन में। तो जैसे कि अगर ये सेंटेंस है कि आपकी गाड़ी कहाँ से चोरी हुई, तो मेरी मैंने उसको चेंज कर दिया, और ये हमने उसी रिहर्सल के कि जी गड्डी चोरी चोरी कहाँ से हुई, गड्डी आपकी, यू नो।
So you get a certain way of speaking, which is the way people in the, you know, in the Punjab speak. They don't speak Shodhi. गड्डी चोरी कोई चोरी कहाँ से हुई गड्डी आपकी कर क्या रही थी बाहर बाहर क्या कर रही थी यू नो कर क्या रही थी बाहर इट्स आल्सो मोर स्टकैटो वे ऑफ स्पीकिंग बिकॉज़ ये लोग फैक्ट्स बहुत जल्दी ढूंढते हैं शी इज अ पुलिस वाले उसको फैक्ट्स चाहिए यू नो और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं ज्यादा ओवर प्रिपेयर नहीं करती हूँ कभी भी अपना कैरेक्टर मैं काफी कुछ छोड़ देती हूँ मैं सब इंफॉर्मेशन लेके पचा लेती हूँ उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ उसे कि एक्चुअली ऑन द स्पॉट क्या होने वाला है उस समय जहाँ कैमरा लगा होगा आपका को एक्टर के साथ आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे तो उस समय के लिए मैं बहुत सारी चीजें छोड़ देती हूँ और क्योंकि मुझे पता नहीं वहां क्या होगा और मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज लगी किरण सेखों के कैरेक्टर प्ले करने में मुझे सडनली समझ में आया कि मैं जिसके साथ भी बात करती हूँ ना मैं अलग तरीके से उससे बात करती हूँ अगर तीन गैंगस्टर्स हैं तो तीनों गैंगस्टर्स के साथ मेरा एटीट्यूड तीन अलग तरीके का है वो बहुत सीनियर गैंगस्टर है तो उससे एक अलग तरीके से बात की वो बीच का गैंगस्टर है तो उससे अलग तरीके से वो यंग गैंगस्टर है जिसके साथ वो गाड़ी में बैठ के बात करती है जिससे ऑलमोस्ट एक इजीनेस है उसके सामने वो हंस भी देती है यू नो तो आई डिस्कवर्ड अबाउट किरण सेखों की वो उसको शी इज अ पीस मेकर उसको पंगा नहीं चाहिए कि कुछ हो जाए गड़बड़ वो हर किसी से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है तो नेगोशिएशन हर किसी से अलग तरीका है यू नो सो दिस वाज व्हेन ये मैंने स्क्रिप्ट रिहर्सल के स्टेज पे मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे तो दीज आर द थिंग्स दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द कैरेक्टर तो मैं जाके किसी पुलिस वाली को ऑब्जर्व नहीं करती हूँ हालांकि जब हम लुधियाना में शूट कर रहे थे तो अचानक एक ऑटो रिक्शा गया जिसमें दो पुलिस वाली बैठी थी यूनिफॉर्म में तो मैंने उनको बड़े गौर से देखा कि अरे इनको जरा देखूं मैं तो मैंने देखा कि वो उनकी एक्चुअली बॉडी थोड़ी सी मोटी सी थी यू नो एक ऑर्डिनरी पुलिस कांस्टेबल वाली काइंड ऑफ थिंग तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैंने अपने आप को ज्यादा जिम में नहीं डाला इसीलिए ये अच्छी बात है क्योंकि अगर आपका जो शरीर है ना वो मैसेजेस देता है व्यूअर को यू नो और ये हमारा काम है कि हम उन मैसेजेस को डिसाइफर करते हैं पढ़ते हैं एक्चुअली ऑडियंस भी यही करती है ऑडियंस के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि ऑडियंस समझ लेती है अब उनको शायद ना समझ आए कि वो कैसे समझ गए लेकिन बॉडी हमेशा कम्युनिकेट करती है ये ह्यूमन बॉडी का एक टेम्परमेंट है यू नो जैसे कि अगर आप सपोज आप रेस्टोरेंट में जाएंगे दुबई में तो वहां पे चार मेज खाली होंगी और चार और मेज पे लोग बैठे होंगे तो आप बहुत जल्दी सोचोगे कि इस मेज पे बैठूं या उस पे नहीं उस पे बैठ जाता हूं आपने ये कभी सोचा नहीं होगा कि आप ये क्यों करते हैं आप सिलेक्ट करते रहते हैं ऑल द टाइम यू नो लेकिन हम एक्टर्स ये सोचते हैं कि ये मैंने क्यों किया तो हम इंफॉर्मेशन लाइफ से बहुत लेते हैं हो सकता है मैंने इसलिए ये किया क्योंकि वहां पे बाथरूम का दरवाजा है मुझे बाथरूम के बगल में नहीं बैठना है हो सकता है मैंने वो टेबल चूज किया क्योंकि जो बगल में लोग बैठे थे दूसरे टेबल पे वो थोड़ा ज्यादा शोर मचा रहे थे इसलिए मैं उनकी बगल पे टेबल पे नहीं बैठी एक्चुअली हम ये डिसीजंस लगातार बनाते रहते हैं जीवन में पर एक्टर है जो इन चीजों को पहचानता है परखता है और अपनी मेमोरी में जमा लेता है कि इसको मैं इस्तेमाल कैसे ये एक इंट्यूटिव चीज है तो इसलिए मैं ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करती हूँ लोगों को मैं डायलॉग देखती हूँ फिर ऑन द स्पॉट जो होता है और अब एक्सपीरियंस हो गया ना जीवन का बहुत 30 साल तो एक्टिंग में हूँ सोनी लिव पर योर ऑनर में आपको किरण सेखों का काम देखना चाहिए मीता वशिष्ठ ने बहुत अच्छा काम किया है मीता जी कुछ एक्ट्रेस को देख के स्क्रीन पे लगता है कि यार ये क्यों कम दिखती है उनमें से आप एक हैं कम दिखते हैं आपको देख के हमेशा लगता है कि आप क्यों ऐसे लंबे लंबे ब्रेक्स लेके कहाँ चली जाती हैं आप बीच में क्या होता है मेरा प्रॉब्लम ये है कि वेल एक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि आपको काम आपके पास आता है आप उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि कौन क्या कहाँ बना रहा है क्या सोच रहा है लोग कहते हैं कि फोन करते रहो लोगों को मैंने एक दो बार ट्राई भी किया मैंने फोन किया था एक बार दिबाकर बैनर्जी को तो वो इतना एम्बेरस्ड हो गया कहता मीता हाउ कैन यू कॉल मी इफ आई हैव समथिंग आई विल रिमेम्बर यू सो अब ये स्टेज हो गई है कि शुरू में तो मैंने कभी फोन किया ही नहीं सब प्रोजेक्ट्स मैं आपको एक बात बताऊं गगन जी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन मैंने आज तक जितना काम किया है वो मेरे पास आया है अपने आप
तो वो मेरे खाते में लिखा था, वो मेरा ऊपर वाला जो खाता बनाया ना उसमें लिखा हुआ था. मैं कभी किसी काम के पीछे गई नहीं. जैसे कि ये भी जो कैरेक्टर आया किरण सेखों का और योर ऑनर सीट वेब सीरीज जो मेरे पास आई, मुझे एक बार फोन आया कि ये वेब सीरीज है, इसमें ये कैरेक्टर है और आप ये वीडियो देख लीजिए जो इजरायली है, ये वाला कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं. आई डिडंट इवन नो इट वाज बीइंग क्रिएटेड. तो काम मेरे पास चल के आता है, अगर उसमें एक अच्छी लेंथ है कैरेक्टर की तो मैं नजर आती हूँ, क्योंकि मुझे फिर एक मौका मिल जाता है कुछ करने का जबरदस्त. अक्सर अगर मैं नहीं दिखती या कम नजर आती हूँ, वो इसलिए क्योंकि काम आया नहीं, या आया तो इतना छोटा सा था कि हालांकि मैं उसे बड़ा ही बना देती हूँ. लेकिन फिर क्या होता है कि अगर एक छोटा रोल है, आप अगर उसे एक पावरफुल एक्टर को दे दें और वो कुछ उसका बना ले, तो फिर आप सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हावी हो रहा है, ये रोल इस रोल को हावी होने की गुंजाइश नहीं है हमारी स्क्रिप्ट में, तो इसको हटा दो. तो मैं अक्सर लोगों से बोलती हूँ कि मुझे ऐसे रोल में मत डालो जिसमें आपको जो आप नहीं चाहते कि वो बहुत ज्यादा नजर आए, तो उसमें किसी और को डाल दीजिए, यू नो, जो नहीं नजर आएगा. तो ये चक्कर है. मैं मन दिल से नहीं लेती हूँ ब्रेक. मैं जब नजर आती हूँ, जब कुछ अच्छा काम हो और वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे बेहतर कर लूँ. तो आप ये मानती हैं डेस्टिनी में इतना स्ट्रॉन्ग, तो आपको कभी कभी लगता है कि यार बैंडिट क्वीन मुझे मिलनी थी और मैं उसको अलग तरीके से करती और जिस तरह की फिल्म बनी. मैं आपको पता था मैं उसके लिए फर्स्ट, आई वाज द फर्स्ट कास्ट फॉर इट. शेखर कपूर मुझे याद है और वो चलता है दिमाग में कि यार वो मैं करती अलग तरीके से, क्योंकि बड़ी फिल्म बनी बाद में, नो डाउट. नहीं वो तो हाँ, जो उसका उसका मिलना और फिर ना मिलना मेरे लिए था. लेकिन शेखर से जब मैं बात करती थी रोल के बारे में, जो मुझे सवाल पूछते थे, तो मैं समझ गई थी कि उनकी सोच कुछ और है. जैसे उन्होंने सवाल पूछा मुझसे, मुझे याद है उनके घर में ये सवाल जवाब चल रहा था कि मीता व्हाई डू यू थिंक फूलन देवी इज स्पेशल, क्योंकि उसने क्या, क्योंकि उसका उसमें गुस्सा था. नहीं कुछ उन्होंने कहा कि वो रेप, उसका इतना गैंग रेप हुआ था और कुछ ऐसा था. तो मैंने कहा देखो गैंग रेप बहुत लोगों का होता है, बहुत औरतों का हो गया है. हर कोई एक बंदूक उठा के अपने अपने रेपिस्ट को सजा नहीं देता है. जी. मैंने कहा इस औरत की स्पिरिट कुछ और है, इसमें अंदर एक अलग किस्म का जज्बा और एक अलग किस्म का की भड़ास है. नहीं तो गैंगरेप पहली बार थोड़ा हो रहा है, अक्सर माने न्यूज़पेपर में तो आए दिन निकला हुआ है गैंगरेप इसका उसका उसका. लेकिन हर औरत बंदूक उठाकर एक लेजेंड नहीं बन जाती है, तो उसमें कुछ और है. फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि, तो मैंने उनसे उस समय भी कहा, मैंने कहा आपको ये सोचना चाहिए कि ये औरत यूपी में, यूपी जैसी जगह में जो इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें एक औरत जो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, वो औरत कैसे गैंग का लीडर कैसे बन जाती है. तो मैंने कहा इसमें जो जो बीच का जो एक होता है ना, एक औरत पना कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं इस्तेमाल करना है, बीच में आप मर्द भी बन सकते हैं एज एन औरत. आप अपनी अपने औरत पना को सीमित करके एक मर्दानगी जता सकते हैं. हम सब में वो कुव्वत है जी, औरतों में भी है कि बहुत ज्यादा टेंडरनेस आ जाती तो एक फेमिनिन ग्रेस आ जाती है, या बहुत ज्यादा मैचो हो जाए तो बहुत ज्यादा कड़क सा एक मैस्कुलिनिटी आ जाती है. तो मैंने कहा मैं अगर करूँ, मुझे ये कैरेक्टर में ये एक्सप्लोर करूंगी, कब वो डिसाइड करती कि मैं आज औरत हूँ और कब वो डिसाइड करती कि औरत पना थोड़ा सा अंदर डाल दो जी. और ये दिमाग की औरत है, ये इमोशन की, ये रोने वाली औरत नहीं है. तो मैंने ये सब चीजें सोची थी उसके बारे में. और एक बार मैं जो फोटोशूट कर रही थी उसका, क्योंकि शेखर ने मुझे कहा था कि तुम एक फोटोशूट करके दिखाओ मुझे, तो ये जो है ना तीन लाइनें होती थी फूलन की, हमेशा यहाँ पे ऐसे तीन लाइनें, अगर आप वो भी फोटो देखो उसकी, यहाँ तीन लंबी लाइनें ऐसे. तो मैंने वो लाइनें बनाने की कोशिश की जब फोटोशूट चल रहा था. विनय गांधी थे एक मेरे दोस्त, वो फोटोशूट कर रहे थे. वो फोटोशूट 3 घंटा सिर्फ मैं और वो थे. मैं अलग अलग मैं उसकी फोटो में देख रही थी फूलन की कि ये क्या है. तो मैंने कहा इसकी जो फोटो देखो उसमें ये तीन लाइनें परमानेंट हो गई, यहाँ पे तीन बल पड़ गए वर्टिकल, ऐसे देखती हमेशा यूं.
तो मैंने जब 3 घंटे ये किया ना गगन, तो मुझे एक अचानक एक फीलिंग आई, मैंने विनेश से कहा, मैंने कहा विनेश यू नो जब एक बच्चा रोने लगता है ना तो उसका मुंह सिकुड़ जाता है, वो रोना शुरू करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मैं नहीं रोऊंगा। तो एक रोना है लेकिन वो डिसाइड करता है नहीं रोऊंगा, तो बाकी मुंह ठीक हो जाता है, ये यहाँ पे लगे रहते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये एक औरत है जिसने जिसको रोना आ रहा था लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं नहीं रोऊंगी। और ये जो 3 लाइनें है ना, ये उस वजह से यहाँ पड़ी रह गई उसकी। अच्छा कमाई की बात गगन ये है, एनीवे रोल चला गया जो भी था, माने अचानक एक दिन पता चला, अचानक में शेखर का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया था। अचानक मैंने कहा, उन्होंने कहा जाओ फूलन से जेल में मिलो, तो मैंने कहा आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, तो कह रहे मैं क्यों करूं, अगर तुम्हें कमिटमेंट है तो तुम खुद कर लो। तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, कि जो डायरेक्टर कह रहा है कि माने इतनी ब्यूरोक्रेटिक टेप रेड टेप चाहिए आपको, यंग एक्ट्रेस 26 साल की, वो कहाँ से लाएगी ये सब रेड टेप। तो अगर आप कह रहे मिलो तो आप ऑर्गेनाइज कीजिए ना। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और फिर समझ में आ गया कि शायद कोई और कर रहा है। एनीवे तो बाद में जब ये फिल्म खत्म हुई और एक शेखर की मैंने इंटरव्यू पढ़ी कि यू नो जब तक हमने फिल्म खत्म की तो सीमा और मुझे समझ में आया कि ये एक औरत है जो रोने वाली थी लेकिन रोई नहीं, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था। माने आपको पूरी फिल्म आपको बना के समझ में आया जी। ये तो मैं शुरू से मैंने फोटोशूट में ये समझ लिया था। तो माने वो कुछ और होता, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी बैंडेड क्वीन तो मुझे लगा कि मैं उस तरह से नहीं प्ले करती उस कैरेक्टर को। मैं उसे एक अबला किस्म की नारी जो बीच बीच में अबला बन जाती, मैं नहीं बनाती उसे। यू नो आई वुड हैव प्लेड द एंड्रोजिनी, जो बीच का रास्ता है ना आदमी औरत वाला, कहाँ वो पकड़ लेती है। सो आई फील कि शायद शेखर को एक अलग तरह की एक्टिंग चाहिए थी, और शायद मेरी एक्टिंग और उनका जो जो उनकी समझ थी कैरेक्टर और जो मेरी थी वो शायद, हालांकि मेरे डायरेक्टर अक्सर मान जाते हैं, पर मुझे इस फिल्म देख के लगा कि वो बहुत माने वो एक औरत है जो जैसे एंड में जब वो सरेंडर भी करती है, आई नो बैंडिट इज क्वीन इज अ ग्रेट फिल्म बट आई हैड सम इश्यूज विद इट, नॉट बिकॉज आई वॉज गोइंग टू बी द एक्ट्रेस इन इट, बट बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एक्टिंग। सो आई एम स्पीकिंग रियली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ a critical audience. actress and an actress who knows the craft. So I feel ki ek to nude scene main khud karti, main kisi aur ko nahi deti karne ke liye, jo nanga chalna tha na main khud karti, because I believe that you have to own the character completely. So ye nahi ki aap nanga scene hai to aap kisi aur se body double se karwa lo, nahi, kyunki us body double pe kya guzregi ji. To main khud hi nanga chalti आगे कुछ टिपका हुआ पाके, क्योंकि बैक शॉट था, और मैं कर भी चुकी हूँ अपने न्यूड सीन्स कुमार शानी की फिल्म और मनी कॉल की फिल्म। तो मेरे लिए शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई शरीर नहीं है कि उफ मेरा ये मेरा वो और कम सिन, यू नो, सो फॉर मी इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका तानपुरा होता है, आप तानपुरा बजाते हो ना उसको, तो शरीर आपका एक्टर का इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे लास्ट सीन जो है जिसमें वो फूलन जब सरेंडर करती है तो वो निर्मल पांडे की तरफ देखती है कि मैं करूं या नहीं करूं, तो वो उसको बोलता है हाँ करो। यू नो आई फील दीस थिंग्स वर रॉन्ग, आई फील शी वाज अ वुमन हु वुड हैव जस्ट डिसाइडेड ओके यू नो अब समय आ गया क्या कर सकते हैं। सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अलग फिल्म होती। और एक बार बड़ा बड़ा अच्छा एक चीज हुई, मैं अपनी गाड़ी चला रही थी, एक सिग्नल पे रुकी मैं, तो एक कपल बैठा था बगल वाली गाड़ी में, तो उन्होंने अपनी खिड़की नीचे की, और उस लेडी ने, आदमी थोड़ा शर्मा गया, यंग कपल था, तो लेडी बोलती है मेरे पति यहाँ बोल, हमने बैंडेड क्वीन देखी, मेरे पति कहते हैं कि मीता करती से तो बहुत अलग फिल्म होती, और वो काश उसने किया होता। तो ये एक अलग किस्म की कॉम्प्लीमेंट थी, यू नो, सो या सो आई नो शेखर इज अ ग्रेट डायरेक्टर, इट्स अ ग्रेट फिल्म एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई एज अ क्रिटिकल एक्ट्रेस विच इज वॉट हैज केप्ट मी अलाइव एंड पैशनेट अबाउट माई क्राफ्ट, आई हैव माई ओन तारीफ मिल रही है, योर ऑनर को तारीफ मिल रही है,
अब अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, कितनी चीजें बदल गई, इतनी देर से हम काफी बातें कर रहे थे टेक्नोलॉजी पे, अब मीता वशिष्ठ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, कितने अच्छे दोस्त इरफान खान अभी वो चले गए, बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत दुख भी इस साल आए हैं, काफी चीजें, एज एन एक्टर एज ए पर्सन आपके दिमाग में मीता अभी सब क्या चल रहा है? इरफान जब गए ना, इरफान और मैं क्लासमेट्स थे ना एनएसडी से, जी हम लोग बैचमेट्स थे, तो माने दोस्ती बहुत पुरानी है और रिश्ता भी अलग तरह के का है, माने शुरुआत से एक दूसरे को जानते थे, देखा था और वो उनमें उनके एक बड़ा प्यारा सा अफेक्शन था उनके अंदर मेरे प्रति, जो उन्होंने जाहिर किया 2016 में स्टेज पे. हम लोग वहाँ, मैं जयपुर में थी, मैंने अभी अपना प्ले किया था लाल देर, और अगले दिन उनका था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पूरी कहानी मिल जाएगी. तो वो ब्रांड एम्बेसडर थे उस, अचानक उस साल उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जयरंगम फेस्टिवल का. तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उनको शायद पता चल गया कि मेरा प्ले हुआ था एक शाम पहले, और उस दिन उस सुबह ही वो आए थे. तो उसी सुबह मुझे पता चला कि ब्रांड एम्बेसडर इरफान है, वो आए हैं और हम मिले नहीं थे 2-4 साल से. तो मैं सब पूरा सुबह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, तो मुझे खाने का टाइम भी नहीं मिला था, तो मैं बहुत भूखी थी. मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई थी, उनका एज ब्रांड एम्बेसडर प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे शुरू होने वाली थी. बहुत बड़ा एक जो तंबू था जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और वहाँ बहुत सारी सैकड़ों रोज ऑफ कुर्सियां थी जिसमें यू नो कम से कम 200 लोग बैठ के सुनते थे कॉन्फ्रेंसेस. तो मैं एक फूड टेंट में कुछ खा रही थी और मुझे पता था 2 बजे कॉन्फ्रेंस है, मैंने सोचा मैं जाके बैठ जाऊंगी आराम से, सुनूंगी क्या कह रहा है इरफान, बहुत साल हो गए. तो अचानक वो ऑर्गेनाइजर्स दौड़ के आए मेरे पास, एक ऑर्गेनाइजर टीम ऑर्गेनाइजेशन, मैम मीता मैम प्लीज चलिए जल्दी, इरफान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, तो आप प्लीज आइए. तो मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, मैं ये जरा सैंडविच खत्म करती हूँ. नहीं नहीं अभी आइए, 2 बजे शुरू हो रही है. मैंने कहा नहीं आप तो थोड़ा सा शुरू करेंगे आप लोग, तो जब तक वो बोलना शुरू करेंगे मैं आ जाती हूँ, मैं और मेरे लिए कुर्सी वर्सी मत रखिए, मैं चुपचाप पीछे खड़ी हो जाऊंगी या साइड में बैठ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए. मुझे लगा उनको ये चिंता थी कि मुझे जगह नहीं मिलेगी, मसला कुछ और था. अचानक जो लाउडस्पीकर पूरे कैंपस पे लगे थे, वो जवाहर कला केंद्र जो बहुत खूबसूरत कैंपस है जयपुर में, वहां पे अचानक इरफान की आवाज गूंज रही है सारे स्पीकर्स में से, मीता यार कहाँ है तू, कब से इंतजार कर रहा हूँ, आ जा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करनी है. सो आई वाज लाइक सो शॉक, तो वही मैंने सैंडविच फेंकी, मैंने छोड़ दी और मैं गई. तो वो एक्चुअली वो बंदा बेचारा मुझे ये नहीं, उसने कहा कि इरफान साहब वेट कर रहे, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, पर यहाँ इरफान ने बोला था कि मीता को बुलाओ. तो मैं जब गई तो मैं फ्रंट रो में, वो जगह बन रही थी मेरे लिए बैठाने के लिए, तो इरफान ने जो स्टेज पे थे, एडिटर थी उनके साथ, वो न्यूज़पेपर की महारथी लोग बैठे थे, तो वो बीच में बैठे थे, उनके बगल में जो बैठा था उससे उन्होंने कहा कि प्लीज आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओ, और मुझे कहा कि तुम इधर आओ मेरे बगल में बैठो स्टेज पे. तो मैं गई ऊपर स्टेज पे, वहां सब लोग बैठे थे, कुछ 100 पता नहीं 200-300 लोग उनको देखने के लिए आए थे. और तो जो लेडी थी जो एडिटर थी महारथी, तो वो इरफान को देख के इतनी मैंने गदगद थी, और एक बुके लाए थे इरफान को देने के लिए, तो इरफान को उन्होंने बुके वुके दिया और वेलकम स्पीच दी और सब कुछ. और पहला सवाल आया इरफान के पास कि इरफान जी समथिंग, जो भी था सवाल ऑडियंस जर्नलिस्ट में से, तो वो अचानक उनको पता नहीं क्या सडनली दिमाग में आया, तो वो अचानक उठे, उन्होंने कहा एक मिनट, इससे पहले कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सवाल जवाब, ये गुलदस्ता मैं अपनी मित्र अपनी सहेली अपनी क्लासमेट मीता को देना चाहता हूँ, इस गुलदस्ते से मैं इनको वेलकम करता हूँ. यू नो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट गगन, क्योंकि इस तरह से कोई इतने सबके बीच में एक ऐसा मौका ले ले कि मुझे ये बुके मीता को देना है, और उन्होंने ये भी कहा ये मेरी दोस्त है, मेरी क्लासमेट रह चुकी है एनएसडी से और मेरी प्रेरणा है. यू नो आई मीन अ गाय हूज रीच्ड दिस, इट्स वेरी रेयर टू सी समवन शेयर देयर मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड एक्चुअली लिटरली गिव इट टू
of an old friend. It doesn't really happen. I was so moved. मैंने कहा बाप रे ये तो कुछ और ही you know, मैंने जितना stardom इसका बढ़ रहा है उतना ही अंदर उसके विनम्रता और खूबसूरती बढ़ती जा रही है. अक्सर उल्टा होता है, लोग अहंकारी हो जाते हैं. लेकिन भोपाल वर्कशॉप के दिनों में आलोक चटर्जी भी आपकी बहुत तारीफ करते थे और आपका जिक्र बहुत होता था बहुत साल पहले. वो भी आपकी बैचमेट रहे हैं ना आलोक दा? हाँ, हम लोग सब बैचमेट्स थे. इरफान, आलोक, मैं, अशोक लोखंडे जो टीवी पे आते हैं, श्रुतपा इरफान की वाइफ, हम सब लोग बैचमेट्स थे. तो जब इरफान गए तो मैं कुछ लिख नहीं पाई पहले, तो क्योंकि क्या लिखूं. मैंने एक होता है ना, लोग लिखते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, मुझसे नहीं लिखा जाता. मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा अब इरफान ये जो कोरोना आ गया है ना और सब लॉकडाउन हो रहा है, तो तुमको लगा फिल्म तो बनने नहीं वाली है, तो चलो यार कट लो, अब दुनिया से कट लो कि क्या फिल्म तो बनेगी. बिकॉज फिल्म वॉज हिज पैशन. एंड मैं हंस रही थी, मैं कह रही थी कि मैंने कोरोना आ गया, तुम्हें लगा फिल्म तो होने नहीं वाली है, तो अब रह इधर धरती पर रुकने का मतलब नहीं है, चल लो निकल लो, तुम कहीं और चले गए फिल्म बनाने. एंड ऑफकोर्स हम फ्यूनरल पे भी गए थे, उनके फ्यूनरल पे, क्योंकि जाना ही था. कोई उस समय पीक था, लॉकडाउन था, लोग डरे हुए थे, नहीं निकल रहे थे, लेकिन अशोक और मैं हम दोनों गए. तो जहां तक 20 ये सबका सवाल है, एज एन एक्ट्रेस मुझे मालूम है कि पता नहीं कब हम लोग उस तरह से एक्टिंग कर पाएंगे जिससे परफॉर्मेंसेस निकल के आती हैं, क्योंकि ये मत छुओ, पास मत बैठो, अलग रहो, स्क्रिप्ट कौन कैसे लिखेगा, ये सब चीजें हैं. लेकिन गगन, मैं सोचती हूँ कि जो भी होता है, जो हो रहा है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं. मैंने आज तक इंटरनेट पे मैंने एक्टिंग से माने बहुत शुरू में हुआ था कि ऑनलाइन एक्टिंग कर दीजिए, ये बना, बहुत सारे एक्टर्स आ चुके हैं ऑनलाइन, थिएटर परफॉर्मेंस ऑनलाइन. मैंने कहा नहीं, मेरे थिएटर के परफॉर्मेंसेस की इंटरव्यूज और रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन है, लेकिन मैं नहीं मानती कि थिएटर परफॉर्मेंस आप कैमरा में कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसे नहीं डाइल्यूट करूंगी. मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें इस समय में. एक डेस्परेशन जो होता है ना कि कुछ तो करो, ये मैं नहीं करना चाहती, इससे मैं दूर रहना चाहती हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं एक फैंसी ऑडिटोरियम में जिसमें 600 लोग आते हैं टिकट खरीद के, उसमें मैं थिएटर नहीं कर सकती हूँ, तो क्या मैं एक पार्क में, एक बगीचे में, एक स्टेज लगा के जिसमें 100 ऑडियंस दूर दूर बैठी हो, क्या मैं वहां पे एक प्ले कर सकती हूँ? शायद उतना पैसा ना बन पाए, उस तरह का माहौल ना हो, लेकिन लाइव तो हो. मेरी अगली ऑडियंस शायद 2-2 मीटर दूर बैठी हो. तो मैं सोच रही हूँ कि अडेप्ट करना जरूरी है, लेकिन अपने क्राफ्ट को डाइल्यूट करना जरूरी नहीं है. तो ऐसा अगर हो कि आपको एक क्लोजअप देना है लेकिन आपका को एक्टर नहीं है, तो मुझे उसे अडेप्ट करना होगा. तो मुझे सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर का डिसिप्लिन, उसकी खूबसूरती, उसका जो नेचर है, थिएटर का नेचर है लाइव, उसको मैं कभी जूम पे नहीं करूंगी. मुझे ऐसी डेस्परेशन नहीं है कि भाई मुझे देख तो लो. जो पैनिक है ना, पैनिक डेस्परेशन, उससे बचना बहुत जरूरी है. उससे आपको जिंदगी के हर पहलू को बचाना जरूरी है. एक बड़ा क्यूट सा पोस्ट था कि ये पैंडेमिक का टाइम वो टाइम नहीं है कि आप अपने उठ के अपने एक्स गर्लफ्रेंड को फोन कर लो कि चल यार तेरे साथ ही मिली भगत हो जाए फिर से, यू नो. तो आप जो चॉइसेस बनाएंगे वो डेस्परेशन के चॉइसेस नहीं होने चाहिए. जो समय है उसको पहचानना होगा, उसके हिसाब से जीना होगा, उसकी वजह से अपनी लाइफस्टाइल और अपने लाइफ चॉइस, जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि एक जो क्लब की मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, मुझे नहीं जाना है उस क्लब में. एक्चुअली जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो लगता था कि अब मेंबरशिप ले ली तो जाओ, लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे उसकी जरा भी इच्छा नहीं हुई. तो अब लॉकडाउन जब खुलेगा भी तो मैं नहीं जाऊंगी वहां. एक तरह से आपकी जीवन की प्रायोरिटीज बड़ी
खुल के सामने आ गई हैं कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो मैं लॉकडाउन 2020 मैं इसे एक तरह से एक ब्लेसिंग भी देख रही हूँ कि ये एक समय आ गया है कि आपको अपने मुंह के सामने शीशा देख के, आईना देख के अपने को पहचानने, दोबारा पहचानने, दोबारा चॉइसेस करने का आपको एक ये आपकी एक परीक्षा है जी। और उस परीक्षा पे आपको अमल करना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है। यू नो इट्स अ टाइम फॉर ह्यूमिलिटी। हमारा जो ह्यूमन ईगो है ना, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो उससे आपको अब अलग ही रहना है। तो मैं ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बिकॉज कैसे सोचूं। हमसे एक बड़ा पावर है, वो हमें रास्ता दिखा देगा अगर हम अपने से जुड़े रहें। क्या बात है। Zoom in with Gagan Mudgal, नीता वशिष्ठ बहुत ही कमाल की एक्टर हैं और किरण सिखो के रोल में योर ऑनर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आपका एक तो काम आया और अच्छे बहुत सारे एपिसोड्स आए, तो भी मजा आ रहा था कि आपको इतना सारा आपका काम देखेंगे। और अलग ही आपने जो यूनिफॉर्म में चोटी वोटी आप बदल के जो आई है ना, बहुत लाइक बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया है रोल करके। मुझे अपने अंदर इतनी एक इतना ठहराव महसूस हुआ ना। अच्छा ये एक बात बताऊं गगन, मैंने कभी इस रोल को इस तरह से नहीं प्ले किया कि मैं ऑडियंस को इम्प्रेस करूं। अगर ये चीज आप दिमाग से निकाल दो ना, तो आप रोल में बहुत खरे उतरते हो। मैंने किरण सेको को रोल को बहुत शिद्दत से, बहुत जैसे आई डोंट नो, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी रियली। आई लव डूइंग द रोल, इट वाज अ वंडरफुल टीम। और ई निवास को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज अक्सर आपको जरूरी है कि एक डायरेक्टर आपकी परफॉर्मेंस को समझे और उसको उसी तरह बनाए रखे, ये भी बहुत, और करने दे, ये बहुत जरूरी है। यू नो कि डायरेक्टर समझ जाए कि हाँ ठीक है, ये इसका अंदर का एक सुर है, उसको चलने दो, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा ना, यू नो। तो ई निवास भी एक ईगोलेस किस्म के डायरेक्टर है, तो उनमें बहुत सहृदयता है, वो बहुत अच्छे इंसान है, ईगो नहीं लेते, योगी आता। तो उससे हमारी परफॉर्मेंस को भी उभरने का एक मौका मिलता है, यू नो। तो मैं आधा क्रेडिट तो खुद ले लूंगी, आधा क्रेडिट उनको भी दूंगी और अपने को एक्टर्स। आपको जिमी का और यशपाल शर्मा, वरुण और किसका काम अच्छा लगा आपको? पारुल ने भी अच्छा मुझे काम किया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। मुझे सबका काम अच्छा लगा। एक्टिंग की एक चीज होती है जो मुझे एक्टिंग पता क्यों पसंद है, क्योंकि वो जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तो आपको अपने अंदर से हर किसी के प्रति एक प्रेम भाव रखना होता है। क्योंकि अगर आप प्रेम भाव नहीं रखेंगे और अगर आप ईगो को ले आएंगे, आप सोचेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस को काट के मैं ज्यादा अच्छा करूं, तो आप अंदर से करप्ट होने लगते हैं, आप कैरेक्टर में नहीं घुस पाएंगे, आप ईगो से लड़ रहे होंगे, यू नो। तो मुझे क्या लगा, जब भी मैं एक्ट कर रही होती ना, तो मुझे हर कोई बहुत पसंद आता है। और जैसे मैं अपने को एक्टर को, जैसे एक एक्टर जो वकील बन के आया था, वो सरदार जी हैं, वो छोटे से रोल में आते हैं जी। उनसे मैं ऐसे यू नो पारुल के साथ ही आते हैं वो, ये योर ऑनर में जी। तो वो बेचारे थोड़े नर्वस हो रहे थे, क्योंकि अब अक्सर ये होता है कि मुझे तो दिमाग में लगता है ना कि मैं तो 27 साल की हूँ अभी भी, है ना, और मैं तो अपना पहला काम कर रही हूँ। लेकिन अक्सर को एक्टर्स नर्वस हो जाते हैं, ये मुझे बाद में समझ में आता है कि अरे ये तो नर्वस है क्योंकि वो कह रहा है कि, फिर उसने कह दिया कि जी मैं आपके सामने एक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हो जाती हूँ जब लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं तो आपके सामने एक्ट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि दूसरे एक्टर को मैं ढेर सारा उसके साथ बैठ के रिहर्सल कर लूँ, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, यू नो। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि को एक्टर अच्छा करे तो मेरा भी काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मुझे हमेशा जब भी मैं किसी की परफॉर्मेंस देखती हूँ कैमरा के सामने, तो मैं उसे कभी जज नहीं करती हूँ। मुझे मालूम है कि वो अपने अंदर से जो बेहतरीन समझते हैं वो कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को आप
उतने प्रेम से ही रिसीव कीजिए जितना आप प्रेम से अपनी परफॉर्मेंस को भरना चाहते हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच नीता जी आज बात करने के लिए, जूम इन विद गगन। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड कनेक्ट यू अगेन। थैंक यू सो मच।